फ्रेंड्स, इस वीडियो हम सीखने वाले हैं हिडन एल्बम के बारे में। हिडन एल्बम है क्या, इसमें क्या होता है और इसका पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिडन एल्बम एक तरह का गैलरी ही है जो कि छुपा हुआ रहता है। तो चलिए हम पहले गैलरी ओपन करते हैं अपना और सीखते हैं हिडन एल्बम क्या है। यहाँ से अगर कोई हम फोटो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है, हाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो हिडन एल्बम में चला जाएगा। मतलब जो नॉर्मल गैलरी है यहाँ से छिप जाएगा, वो हिडन एल्बम में चला जाएगा, राइट। अब देखते हैं हिडन एल्बम है कहाँ पे। ओके, यहाँ पर एल्बम का ऑप्शन है, उस पर हम ऐसे स्लाइड करेंगे और उसके बाद पेज को नीचे की तरह खींचेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पासवर्ड मांगेगा। हिडन एल्बम में पासवर्ड लगा हुआ रहता है, या तो आपका स्क्रीन लॉक हो या फिर प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड हो या फिर हिडन एल्बम का अलग से एक पासवर्ड हो। तो उसको अगर आप भूल गए हैं तो कैसे रीसेट करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पैटर्न है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अकाउंट जो है, उसके बाद ये अकाउंट का पासवर्ड आपको पता है तो यहाँ से एंटर करके आप रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैं पासवर्ड, यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, एक हम पासवर्ड एक पैटर्न चूज कर लेते हैं, कोई भी एक पैटर्न बना लेते हैं। हम दो बार एंटर करना पड़ेगा इसको यहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए हमारा ये पेज ओपन हो गया, हिडन एल्बम जो था वो ओपन हो जाएगा। ये पासवर्ड जो हम रीसेट किए हैं उसको एंटर करते ही देखिए हिडन एल्बम ओपन हो गया। इसमें कुछ फोटोज़ हमारी हैं, ये स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। चलिए, अगर आपको अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है तब उसको कैसे हम रीसेट करेंगे, राइट। फॉरगॉट पैटर्न पे करेंगे क्लिक। अगर इस अकाउंट का पासवर्ड हमको नहीं पता, अकाउंट ये कौन सा है, मोबाइल की आपका अकाउंट है, राइट, इसका पासवर्ड होता है MI अकाउंट होगा, MI क्लाउड में आप जाएंगे तो वहाँ से अकाउंट नंबर मिल जाएगा ये, और कोई भी अकाउंट नंबर आपका अलग होगा, वहाँ से पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं जो भी हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं पता है यहाँ पर, तो आप इसको फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, नेट ऑन होना चाहिए आपका, कोई भी ब्राउजिंग ऐप से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से चेंज पासवर्ड आएगा, ये देखिए यहाँ पर आपकी मोबाइल जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड है मोबाइल में वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी हम एंटर कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्री कोड डालना ना भूलें, कंट्री कोड हमारा इंडिया का ले लेंगे, राइट, कंट्री कोड इंडिया ले लेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड सेंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैप्चा आएगा, कैप्चा को हम एंटर करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर पासवर्ड आ गया। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद यहाँ पर एंटर कर लेंगे हम उसको और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ही तुरंत आपका चेंज पासवर्ड आ जाएगा, रीसेट पासवर्ड आ जाएगा। हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं अपना, इसको री एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। री एंटर करने के बाद सबमिट कर लेंगे हम, राइट। देखिए चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम जाएंगे जहाँ पर हमारा अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा था, ओके। हम यहाँ पर अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट कर चुके हैं और सेम पासवर्ड इसमें डालेंगे, एंटर करेंगे।
यहाँ से एंटर करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड आ जाएगा, राइट। ड्रा एंड अनलॉक पैटर्न, हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न एक ड्रॉ करेंगे जो कि हमें पासवर्ड बनाना है अपने हिडन एल्बम का, राइट। दो बार एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और हमारा हिडन एल्बम का जो भी पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, जो भी हम पैटर्न बनाए हैं इस तरह का था हमारा पैटर्न, देखिए हमारा हिडन एल्बम ओपन हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपकी जो भी समस्या हो वो सॉल्व हो चुकी हो, राइट। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। 100% कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।